ये देखें, मैं दामन और आस्तीन का ना इस शर्ट में डिज़ाइन बनाने लग रही हूँ, और मैं इसके दामन की है ना डिज़ाइनिंग करने लग रही हूँ, और इसकी जो है ना हमने कटिंग काटी है इस गत्ते पे। ये देखें, ये डेढ़ डेढ़ इंच की ये चौड़ाई है, और ये डेढ़ इंच की इस तरह से चौड़ाई है, ये डेढ़ बाई डेढ़ है। और हम इसका जो है ना दामन और आस्तीन का डिज़ाइन बनाएंगे, और आपके सामने ट्रेस करते हुए भी दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये ट्रेस होगा। ये इस तरह से ट्रेस होगा हमारा ये डिज़ाइन। तो ये देखें, मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमने ये डबल करके और इसे अब हम कटिंग करने लग रहे हैं, और ये देखें, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे जो है ना सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ सकूं। अब ये देखिए, हमारा डिज़ाइन ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम कपड़े पे प्रेस करेंगे, और प्रेस करके फिर मैं आपको इसको बनाकर दिखाती हूँ। मैं आज आपको दामन का स्टाइलिश डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, और ये मैंने आपको काटते हुए भी दिखाया था, और ये बहुत खूबसूरत बनेगा। और चाहे तो आप इसे फ्रॉक पर भी बना सकते हैं, या आप कमीज़ पर भी बना सकते हैं, बच्चों के दामन बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बन सकती हैं। तो ये इस तरीके से हम इसके कट लगाएंगे, और ये कट लगाने के बाद में ये इस तरीके से हम इसको बिल्कुल इसकी ये देखें, ये इसके नोक में ये इस तरह से, ये हमारा ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से। तो ये हम सारा स्टाइलिश दामन होगा, और बहुत खूबसूरत बनेगा। और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मैं अब इसकी कटिंग करने लगी हूँ, और फिर इसको मैं कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं आपको तैयार करते हुए अब आपको दिखाने लग रही हूँ कि हम इनको किस तरह से, अगर हम इस तरीके से इसे गम के साथ लगा के थोड़ा सा इसे चिपका के करेंगे, तो और इसे प्रेस करके, तो ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनेगी, और ये जल्दी भी बनेगी। और अगर हमने जल्दी की और उस तरीके से बनाया कि सिर्फ मशीन पे रखा और हमने सिलाई लगा ली, तो ये बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं आएगी। और मैं आपके सामने ये तैयार कर रही हूँ, और फिर आप देखिएगा कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, मैं दोनों साइडें फोल्ड करते हुए आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये हम ज़्यादा कम इसलिए नहीं लगा रहे कि इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि गम के अंदर फिर मशीन की सिलाई ज़्यादा अच्छी नहीं आती। ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और मैं आपको मज़ीद ये लगाते हुए दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखें इस तरीके से, इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। ये हमारे पास गम रखा हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 15 रुपये की बोतल आती है, तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। और चाहो तो ये ग्लू स्टिक से भी कर सकते हो।
जिसे आपको सहूलत लगे, जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं कॉपी वगैरह में, ये वो गिलो भी इस्तेमाल हो। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और फिर हम ये कमीज़ के साथ ज्वाइन करेंगे फिर आपको जब भी दिखाएंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कितनी प्यारी लग रही है ये। ये देखें जिस तरीके से आपको ये नज़र आ रही है, हमने जो डिज़ाइनिंग की है और ये किस तरह से हमने कॉर्नर इसके बनाए, और इस तरह से एक एक कोने में देखें आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई आई है। और अब यही इसी तरह से फिनिशिंग के साथ है ना, हम इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे, तो फिर हम आपको कमीज़ के साथ अटैच करते हुए भी दिखाते हैं। मैं इस तरह से ये लेस लगा रही हूँ और ये सीधे वाले हिस्से में लगा रही हूँ और ये उल्टी लेस करके लगा रही हूँ मैं। ये देखिए दामन वाला वो हिस्सा जो मैंने फोल्ड किया हुआ था कि जिसमें लेस लगाऊंगी, और अब मैं ये लेस लगा रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि लेस लगाने के एक तरीके नहीं होते, काफ़ी सारे। ये देखें हमारा दामन कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई है कि आपको समझना आसान हो जाए, ताकि आप बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो। और ये हमने इसके नीचे दामन में लेस लगाई जो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था, और अब इसके नीचे का फोल्ड किया हुआ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इसको ना तुम्हें अपनी आसानी लगे वैसे कर लो, चाहे तुम इसमें मशीन की सिलाई कर लो, चाहे तुम इसमें तुरपाई कर लो। तुरपाई करोगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, वैसे मशीन की सिलाई भी कर सकते हो। ये देखें ये हमारा कम्प्लीट हो गया, ये हमारी फाइनल बुक है दामन की।